अभी हम इस टाइम है यमुना पुल पे, यहाँ पे कुछ लोग कैंपिंग कर रहे हैं जो कि इनको करना नहीं चाहिए इस टाइम। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो आज ये व्लॉग मैं बना रहा हूँ अपने न्यू DRLs जो मैंने फिट करवाई हैं गाड़ी में। ये जो DRL है प्लस फॉग लैम्प और ये स्विफ्ट का लोगो और ये दोनों साइड। तो ये दोनों जो फॉग लैम्प और DRL है और ये जो स्विफ्ट की है, ये तीनों अलग अलग लिए हैं मैंने। तो जो ये है, इसमें जब ये इंडिकेटर नहीं जल रहे हैं तो ये वाइट लाइट, ऐसे जैसे ये वाइट है, ये ऐसे हर टाइम जलती रहती है। जब इंडिकेटर देते हैं तो ये वो बंद होके ये ऑरेंज लाइट शो कर ब्लिंक करने लग जाती है। ये ऐसे ही रहती है, वाइट रहती है हमेशा, यहाँ भी सेम। तो मैं इसको इंडिकेटर को बंद करके दिखा देता हूँ आपको। ये मैंने इंडिकेटर को बंद किया तो अब देखेंगे कि अब ये वाइट लाइट हो गई है ये। तो अब मैं आपको इसकी कॉस्ट बता देता हूँ। ये मेरे को पड़ी 4000 की। ये जो DRL और फॉग लैम्प है दोनों साथ में, ये कंबाइंड दोनों साइड की जो DRL है, ये 4000 की मुझे पड़ी है। और जो ये स्विफ्ट की जो ये लोगो है सामने की तरफ, तो ये LED वाली मुझे जो ये लाइट पड़ी है, ये 2000 रुपये की पड़ी है और फिटिंग 1000 रुपये। तो टोटल ये हो गए 7000 रुपये की मुझे ये टोटल सामने की लाइट पड़ी है, जो कि बहुत ही अच्छी लगती है डे टाइम में। नदी यमुना का नज़ारा, ये हमारी कार चमक रही है। तो आप लगा सकते हैं, ये मैंने लगाई है कश्मीरी गेट दिल्ली से। तो जैसे पिछली व्लॉग में मैंने बताया था आपको कि सस्ते में जो LXi मॉडल है उसमें इसको सेम कलर का कैसे बनाना है। तो ये पीछे से इसका लुक, जब हम आगे की DRL जलाते हैं तो इसके साथ साथ पीछे की लाइट भी जल जाती है। तो ये है, बाकी आपने LXi का जो मैंने वीडियो बनाया था वो तो देखा ही होगा। नहीं देखा है तो मैं आई बटन पे इसको लिंक कर देता हूँ, आप इसको क्लिक करके वो व्लॉग देख सकते हैं जिसमें मैंने इस गाड़ी का फुल रिव्यू किया है। तो अभी हम इस टाइम है यमुना पुल, मसूरी और यमुनोत्री के मिड में पड़ता है, बीच में पड़ता है, और ये यमुना बह रही है। यहाँ पे कुछ लोग कैंपिंग कर रहे हैं जो कि इनको करना नहीं चाहिए, क्योंकि मानसून का टाइम है। आज सुबह ही अलर्ट आया है कि कोई भी नदी के आसपास ना जाए। तो हमने भी काफ़ी बार कैंपिंग करी है, इन्होंने तो पास में करी है, हमने उधर करी है। पहले ये रास्ता पूरा वहाँ तक हुआ करता था, पर 2013 की जो राजदी आई थी उसमें ये सारा बह के पूरा जगह का लैंडस्केप ही चेंज हो गया। तो ये पानी ऊपर पुल तक था उस टाइम पे, तो आप देख लीजिए कितने ऊपर तक पानी आ जाता है यहाँ पे। सो गाइज, इफ यू लाइक दिस इंफॉर्मेटिव ब्लॉग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट मोर व्लॉग्स एंड रिव्यूज। थैंक यू।